हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। एक सीरीज वीडियो चल रही है जिसमें मैं किसी फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट को लेता हूं और उसको पढ़ाता हूं। तो इसके पहले मैंने अल्कोहल के सारे टेस्ट पढ़ा दिए हैं और इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट के बारे में पढ़ाया हुआ है, उसको आप जरूर देखें। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वहाँ पर समझ में आएगा आपको। इससे पहले आपने वैसी वीडियो नहीं सुनी होगी टॉलरेंस से। आज जो मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, फेलिंग सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन, इसको हम बहुत बेसिक से एक एडवांस लेवल तक का समझाएंगे ताकि आप कोई भी सवाल में सक्षम हो सके और पेपर में गलतियां आपसे ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन से। और फेलिंग सॉल्यूशन में दो पार्ट होता है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में हम रखते हैं CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट को, और सॉल्यूशन बी में है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। याद करने की कोशिश करिए कि बी में क्या रहता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको बोलते हैं रोसिले सॉल्ट। और रोसिले सॉल्ट का आपको स्ट्रक्चर आना जरूरी है, इसको बना के हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए आते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन पे। इन दोनों हम एक साथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सिमिलर टाइप के होते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी दो पार्ट में होगा, सॉल्यूशन ए में क्या होगा कॉपर सल्फेट और बी में क्या होगा सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट होता है बी में यहां पे, और यहां पे क्या है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो इनको याद करना कहीं से भी कठिन नहीं है। देखिए अभी विद इन सेकंड आपको याद हो जाएगा। देखिए पहले समझिए कि टार्ट्रिक एसिड क्या होता है। तो टार्ट्रिक एसिड में क्या, देखिए दो बार TNT आता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड को मैं दो बार मिला करके क्या बना दे रहा हूं, एक टी यहां से लिख रहा हूं, एक टी उल्टा लिख रहा हूं। देखो एक टी उल्टा लिख दो, एक टी इस तरीके से लिख दो, मतलब दो टी मिला करके क्या बनाया आई। तो वही आई आप यहां बना दीजिए। याद करने का तरीका है, याद रहता है लंबे टाइम तक इसे, ठीक है। टार्टरिक एसिड को हमने इस तरीके से बनाया और इस किनारे पर हम क्या लिख देते हैं C double O C double O H C double O H, ठीक। तो ये C double O H OH एंड OH, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। लेकिन हमें बनाना है टार्टरेट, मतलब नेगेटिव चार्ज बनाना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको किस में रख दूं, एल्कलाइन मीडिया में रखूंगा, तो एल्कलाइन मीडिया में रखने पर एसिड का हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या होगा एसिड का हाइड्रोजन हट जाएगा, इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको हमने किस में डाला हुआ है, टार्टरिक एसिड को किस में डाला हुआ है, इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ NaOH एंड KOH उनमें डाला हुआ है। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा Na+ से और दूसरा हाइड्रोजन हटेगा K+ से। अब हम आते हैं सॉल्यूशन ए पर। सॉल्यूशन ए क्या है, CuSO4। हम करते क्या है, सॉल्यूशन ए और बी को पहले मिलाते हैं। जब मिलाएंगे तो क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक, तो बेसिक सॉल्यूशन का OH नेगेटिव क्या करेगा, सल्फेट को रिप्लेस करके बना देगा CuOH twice, क्या बन जाएगा CuOH twice, ठीक है। तो CuOH twice बन जाता है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर CuSO4। तो ये चीज बनती है, देखिएगा ध्यान से। फिर ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड CuOH twice एक दूसरे के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कैसे बनेगा, यहां पर OH है और यहां पर OH है, तो यहां से क्या करिए वाटर हटा दीजिए, क्या बोल रहा हूं मैं, वाटर हटा दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा इसके करीब बना रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा करीब बना रहा हूं ताकि आप समझ पाए आसानी से। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं CuOH, फिर क्या लिख दे रहा हूं ONH, ठीक। अगर आप यहां से हाइड्रोजन हटा लीजिए, यहां से हाइड्रोजन हटा दीजिए और इसका OH हटा दीजिए, तो ये हट जाएगा, इसका OH और इसका हाइड्रोजन हटा दीजिए तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो पहले इन बातों को आप नोट कर लीजिए, मैं यहीं पर आपको सॉल्ट बना के दिखा दे रहा हूं, ठीक। फिर क्या करोगे, देखो ध्यान से, ये H और ये OH हटेगा तो वाटर हट जाएगा, वाटर हट जाएगा, फिर क्या होगा, कॉपर से कौन डायरेक्टली जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली कौन जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहां पे जो ये ऑक्सीजन बचा है, यही ऑक्सीजन डायरेक्टली किससे जुड़ जाएगा, कॉपर से जुड़ जाएगा। तो ये कॉपर के साथ क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्सेशन, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है इन दोनों को मिलाने के बाद। प्रोसेस हमने समझा दिया, शायद समझ में आ गया होगा। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है ब्लू कलर का, कैसा हो जाता है ब्लू कलर का। यहां पर ब्लू कलर आपने पढ़ा भी होगा कि कॉपर 2+ का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है जब वो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। तो इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक। इसको मैं एक रिप्रेजेंटेशन दे दे रहा हूं CO2+, क्योंकि हमें बार बार ये चीज बनानी ना पड़े। चलिए आते हैं सेम वे में, यहां पे भी वही कहानी है कि बेसिक सॉल्यूशन होगा इसका, इसको दोनों को एक साथ मिलाओगे तो OH नेगेटिव के साथ क्या बन जाएगा CuOH twice बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सोडियम सिट्रेट। तो सिट्रेट को याद करना क्या कठिन है, जवाब है नहीं। देखो सिट्रेट में देखना CNT आता है ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक C बनाओ, क्या बनाओ C। तो देखो ये C बन गया, C के अंदर एक T बनाओ CT। तो देखो T कैसे बना रहा हूं मैं, ये लाइन और ये लाइन, इतने पार्ट को मिला के मैं क्या बोल रहा हूं T,
देखिए ये टी है और ये बड़ा वाला सी है, तो सी बड़ा बनाना है, टी क्या करना है छोटा। कैसे याद रख पाओगे, सी यहाँ पे कैपिटल रहेगा और टी कैसे रहेगा स्मॉल लेटर से, ठीक। फिर क्या करिए, जो इस पार्ट में लिखा गया है तो आपको करना क्या है कि सी डबल ओ एच तीन बार लिखना है। क्या लिखना है, सी डबल ओ एच तीन बार लिखना है और एक ओ एच लिख देना है। ये जो सकल सूरत बनी यही है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में अगर हम क्या डाल दें, एन ए ओ एच डाल दें, उसका बेसिक सोल्यूशन बनाएं, तो क्या होगा, यहां से एच प्लस हट जाएगा, हर जगह से एच प्लस हट करके यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इसको काउंटर करने के लिए क्योंकि हमने NaOH डाला हुआ है तो हर जगह पर Na प्लस आएगा। तो इस तरीके से हम बना पाते हैं सोडियम सिट्रेट इन सॉल्यूशन B। बात समझ में आ रही है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, A और B को मिला करके कॉम्प्लेक्सेशन करेंगे। अच्छा आप देखो, अगर कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना, CuOH एंड क्या रहेगा, OH, यही तो लिखा था ना, CuOH ट्वाइस। फिर क्या करो, कॉम्प्लेक्सेशन करते वक्त इसका H ले लो और इसका OH। अरे भाई यहां पर दो OH थे तब तो आपने इस तरह से कंबाइन किया, यहां पे एक ही OH है तो इस तरीके से कंबाइन कर दीजिए। तो आप इस बात को नोट कर लें, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये शायद आप नोट कर चुके होंगे। तो ये कॉपर कैसे कनेक्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, देख लीजिएगा ध्यान से। तो यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर का कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का भी कलर क्या आएगा, ब्लू कलर आएगा, क्योंकि यहां पर कौन सा आयन आ रहा है, कॉपर पर 2+ आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। जो चीजें हमने पढ़ी अब इसको हम अप्लाई करेंगे एल्डिहाइड पर, दोनों सिमिलर बिहेवियर देती हैं। मैं सिर्फ कॉपर 2+ यूज करूंगा, आप चाहे उसको फैलिंग समझिए, चाहे आप उसको बेनेडिक्स समझिए, जैसा भी आपके पेपर में दिया जाए उस तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए तब दोनों का मिला करके एक ही एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने एक एल्डिहाइड लिख दिया RCOH रिएक्शन विद कॉपर 2+, ठीक है, विद OH नेगेटिव। OH नेगेटिव मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये कैसा रहता है, बेसिक सोल्यूशन के अंदर ये रिएक्शन होती है। यहां पर Cu2+ जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर +1 में, ठीक है, कॉपर 2+ कन्वर्ट हो जाता है कॉपर +1 में, और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है रिस्पेक्टिव एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिस्पेक्टिव एसिड में। एल्डिहाइड अगर एसिड में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और 2+ किस में जा रहा है, देखो +1 में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, कॉपर 2+ दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर के हम एसिड बना रहे। लेकिन क्या ये एसिड के फॉर्म में रह पाएगा, जवाब है नहीं, क्यों, क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर एसिड तो रहता नहीं, सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, इस तरीके से RCOO नेगेटिव बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ओके। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन में कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई, तो समझिएगा कॉपर 2+ कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, और कॉपर जब +1 बनता है तो ये रेड कलर का होता है। होता क्या है, जैसे आप ब्लू सॉल्यूशन लेते हो ना, ये जो आपने ब्लू लिया है सॉल्यूशन, दोनों को मिलाने के बाद इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका रिडक्शन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। इसका मतलब जो सॉल्यूशन आपने लिया जो ब्लू था वो कैसा हो जाएगा, रेड। तो हमारी आंख में तो दिखेगा ना भैया कि ब्लू से रेड की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन हो पा रही है। ये रिएक्शन दोनों के लिए है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। यहां मैंने जो 2+ लिखा है ये कॉम्प्लेक्स है, चाहे आप समझो 2+ वाला ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कोई सा भी चीज आप समझ सकते हो, ठीक है, ओके। अब हम इसके बैलेंस्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। होता क्या है कि हम यहां पे कॉपर के 2+ का 2 टाइम लेते हैं और तब जाके यहां कन्वर्ट हो रहा है 2+, ठीक है, इतने चाहिए। और हमें बनाना होता है इसके साथ वाटर, शायद वाटर 2 टाइम बन जाएगा क्योंकि हमें 3 टाइम OH नेगेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। तो 3 टाइम OH नेगेटिव लेंगे, 2 टाइम Cu2+ लेंगे, तो ये कन्वर्ट होकर इस तरीके से बन जाएगा। याद करना इसको जरूरी नहीं है, सिर्फ ये लाइन पता हो कि कॉपर 2+ जा रहा है रिडक्शन करने खुद का, तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा देगा। अब हम पढ़ते हैं कि क्या सारे एल्डिहाइड रिएक्शन देने वाले हैं, क्या कीटोन देने वाले हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो चीज हम सीखेंगे। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैकेनिज्म। यहां पे मैं फैलिंग सॉल्यूशन की बात करूंगा, लेकिन आप साथ साथ बेनेडिक्ट भी समझते रहें, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही कॉपर 2+ चलता है और कॉपर 2+ के थ्रू ही मैकेनिज्म इसके चलते हैं, ठीक है। इसके मैकेनिज्म को पूरी तरह से जानना नहीं है आपको, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर वो आपको पता चल जाए तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आसान करके समझ पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं एसिटाल्डिहाइड पर। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, CH3COOH। तो मेनली क्या होता है कि फैलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किस पर लगता है, एल्डिहाइड्स पर लगता है, ये बात एकदम सही है। कैसे अप्लाई होता है देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हमने बेसिक सॉल्यूशन ले रखा है तो बेस में क्या होगा, यहां का H+ निकलेगा, ध्यान से समझिएगा, इन सारी चीजों को आपने पहले से पढ़ा हुआ है। OH नेगेटिव क्या करेगा, यहां से H+ लेके जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये दोनों कहां जाएंगे, कार्बन के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, देखिएगा CH2 नेगेटिव, फिर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH। हमने क्या किया,
दिया, यहां से एच प्लस हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? क्योंकि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो क्या है, स्टेबल है। कैसे स्टेबल है, एक बार देख सकते हो, जो यहां पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर सकते हैं, हम यहां पे इस तरीके से यहां पे रेजोनेंस में ला सकते हैं। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप बना करके समझ सकते हो कि देखो ये बन रहा है सी ओ नेगेटिव एंड एच। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, होता क्या है इसके बाद, ध्यान समझिएगा, इसके बाद जो ये चीज हमने बनाई, ये चीज कॉपर के साथ जाके कॉम्बिनेट करती है। क्या करती है? कॉपर के साथ जाके कॉम्बिनेट करती है। कैसे करती है वो चीज यहां पे देख लीजिए। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि कॉपर 2 प्लस, तो क्या होगा, देखिएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब ये रिवर्स आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किससे कनेक्ट हो जाएंगे, कॉपर 2 प्लस से। यार डायरेक्टली बोल लो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो किससे कनेक्ट कर दो, कॉपर 2 प्लस से, क्योंकि 2 प्लस है तो एक ही प्लस जो है डिस्चार्ज होगा और एक प्लस बचा रहेगा। इतनी बात समझ आ रही? आप यहां से नहीं समझ पा रहे हो, यहां से डायरेक्टली समझ जाओगे, नेगेटिव से डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। तो देखो क्या बनाओगे, यहीं से कर लेते हैं, सी एच 2 नेगेटिव था ना, तो हमने क्या किया, इस पर एक कॉपर कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब प्लस 2 नहीं रहेगा, सिर्फ प्लस 1 रहेगा। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। इतने में किसी को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि 2 प्लस से एक नेगेटिव चार्ज देकर हमने प्लस 1 बना लिया। ठीक है, आपको इतनी मैकेनिज्म का ये पार्ट समझ में आना चाहिए। यहां के बाद से आपको मैकेनिज्म को नहीं समझना है, बस आप इतना समझिए, ओ एच नेगेटिव के बाद कुछ होता है रिएक्शन में, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है सी एच 3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच में। ठीक है, ये ओ एच नेगेटिव कुछ ऐसा रिएक्शन यहां पे करता है कि यहां पर इस पार्ट में आ जाता है। थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ये ओ एच नेगेटिव क्या करता है, जब यहां पे अटैक करता है तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होकर के यहां आता है और कॉपर निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ओ एच नेगेटिव अटैक करा दो, हाइड्राइड निकाल के यहां ला दो और इसको हटा दो, तो यही चीज बनेगी। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या किया, एल्डिहाइड से क्या बना दिया, एसिड। इसका मतलब हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया है, एल्डिहाइड का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक है, और कॉपर 2 प्लस हम शुरू में लेते हैं और कॉपर प्लस 1 यहां से निकालते हैं। लेकिन मैकेनिज्म का जो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझना, कि रिएक्शन होगी ही तब जब कार्बन पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब कार्बन पे क्या होगा, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होगा। मतलब एक हाइड्रोजन नहीं होगा तो आखिरकार नेगेटिव कैसे बनाओगे। तो बस यही कंडीशन पकड़ के चलनी है, पूरे फैलिंग को कहीं भी टेस्ट करना है तो सिर्फ एक लाइन याद रखो कि एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन पे, सुनिएगा ध्यान से, एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन मतलब अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, कह सकते हो कि एल्डिहाइड पर अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। एल्डिहाइड पर का मतलब हुआ किसके जस्ट बगल में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। मिनिमम एक हाइड्रोजन होगा तभी वो फैलिंग सॉल्यूशन के थ्रू ऑक्सीडेशन करवा पाएगा, किसका, एल्डिहाइड का। इतनी बात समझ में आ गई? यही चीज मैं आगे लगाने वाला हूं इस मैकेनिज्म का। देखिएगा, कंडीशन नंबर 1 में हमने लिखा हुआ है एक एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। चलिए मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, CH3, और ये भी क्या है, CH3। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फैलिंग टेस्ट देगा, तो आप जवाब दीजिए हां। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। किस बात का कंडीशन? कंडीशन ये है कि एल्डिहाइड के जस्ट बगल अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर ये होगा तो निश्चित रूप से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिस्पेक्टिव एसिड में जरूर कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, रिस्पेक्टिव एसिड में जरूर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा यहां पे, ठीक है, कब, जब हम यूज करेंगे यहां पर कॉपर का 2 प्लस, जो कि खुद को ले जाएगा कॉपर प्लस 1 में। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो बहुत सारे एग्जांपल यहीं पर बेस्ड होकर के आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आप कर भी पाएंगे आसानी से। ओके, अब आते हैं कीटोन पे। क्या कीटोन जो है वो कभी टेस्ट देगा? जवाब है नहीं। कीटोन कभी भी टेस्ट नहीं देगा, अगर वो इस तरह से सिंप्लीफाइड कीटोन लिखा गया है तो। मतलब नॉर्मल कीटोन जो हम पढ़ते हैं, अगर वो लिखा है तो वो नहीं देगा। कोई सा भी आप एग्जांपल बना सकते हो, जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं कि बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ और इस तरीके से, ठीक, क्या ये देगा? जवाब है नहीं, ये दोनों ही नहीं देने वाले। तो कीटोन नहीं देंगे, एल्डिहाइड देंगे, लेकिन एल्डिहाइड में वो लोग देंगे जिसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं देंगे। क्लियर है? ओके, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने टॉलरेंस रिएजेंट वाले में भी पढ़ाया हुआ है, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में, कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है वो टॉलरेंस टेस्ट भी देता है। और क्या टेस्ट देगा? ये फैलिंग सॉल्यूशन वाला भी टेस्ट देगा। होता क्या है कि बेस की कंडीशन में टॉटोमेरिज्म के थ्रू ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कन्वर्ट हो जाता है। ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मैंने लिखा है, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में। किसमें?
अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये कीटोन एल्डिहाइड बन जाएगा तो मेरे भाई देगा ही ना यार। अभी तो मैंने बोला कि एल्डिहाइड तो देगा, ठीक है। चलिए मैं बोलूँ कि अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना के दिखाओ तो क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे वो देख लो। होता क्या है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ आता है और ये चीज़ यहाँ आ जाती है, यही होता है टॉटोमेरिज्म में। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या बनेगा, CH3C, फिर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और इस पर हो जाएगा OH और फिर क्या हो जाएगा OH। देखिए इतना बन पा रहा है क्या, हमने क्या किया ये पाई बॉन्ड यहाँ बना दिया और OH कर दिया यहाँ पे, OH यहाँ पे। फिर देखना क्या हो जाएगा, इन एंड ऑल, इन ऑल से ये कीटो बन सकता है क्या, तो जवाब है हाँ। तो यही जवाब बना देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और एच, तो ये बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये बनेगा क्या बोलो, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब एक बात देखो, क्या ये पहली कंडीशन यहाँ पे लगा पा रहा हूं मैं, हाँ। एल्डिहाइड के जस्ट बगल में एक हाइड्रोजन है, अगर है तो ये फैलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर कहीं पर ये भी दिया जाए तो बोलोगे हाँ ये क्या करेगा, टेस्ट देगा, और ये भी दिया जाए तो इसको बोलोगे कि टेस्ट देगा। हम ये कह सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी क्या करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। तो हम याद रखेंगे कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं। या सिंप्लीफाइड वे में एक चीज याद रख लो कि कहीं CO प्रेजेंट है और उसके बगल में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ वो टेस्ट देगा। क्लियर है, ओके। चलिए अब आते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल पहला देखिए क्या लिखा, CH3CH2 और एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। सेकंड पे आते हैं, और सेकंड वाला एग्जांपल आपको अक्सर रटवा दिया जाता है कि आप इस चीज को याद कर लीजिए कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो टेस्ट नहीं देते फैलिंग सॉल्यूशन से। आपसे ऐसा क्यों कहा जाता है, आप देखिए समझ में आ जाएगा। इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे जब एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, नहीं देगा। इतनी बात तो नहीं, इसलिए आपको रटवा दिया जाता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं। इसी तरीके से एक सवाल मैं यहां पे बना देता हूं, पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए पूछा जाए, ये अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि ये जो एल्डिहाइड मैं बना रहा हूं क्या ये एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इस एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद नहीं, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो इस तरीके की कोई शक्ल सूरत नहीं बनेगी और मैकेनिज्म आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो यहां भी नहीं देगा। अब आइए यहां पे थर्ड पॉइंट पे। अभी हमने क्या पढ़ा था कि CHO के बगल में क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन जरूरी है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, सबके सब क्या है CH3, क्या प्रेजेंट है यहां पे CH3, यहां भी प्रेजेंट क्या है CH3, ठीक है। तो ये क्या है, ट्राइमिथाइल एसिटैल्डिहाइड। भाई एसिटैल्डिहाइड तो ये है ना CH3CHO, तो तीन बार मिथाइल लगा दिए तो नाम हो गया ट्राइमिथाइल एसिटैल्डिहाइड। क्या ये देगा, नहीं। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड के बगल में हाइड्रोजन नहीं है। चलिए अगले पाते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे अभी बताया था मैंने, ये देख लो यहां पे लिखा है ना अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या करेंगे, देंगे। क्यों बोल रहा हूं देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड के जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो बोलोगे नहीं देगा। इतनी बात क्लियर है क्या, ओके। अब यहां पे देखिए ये वाला देगा क्या, नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहा भाई, इसको थोड़ा देख लीजिए, एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या नहीं प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, जबकि ये भी क्या है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये भी है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये टेस्ट नहीं देगा। सेम वे में आगे आ जाइए यहां पे, ये क्या है डाइकीटोन, ये डाइकीटोन जो होता है ये टॉलरेंस टेस्ट देता है, लेकिन ये फैलिंग नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन पे किसी पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। सेम वे में यहां पे आइए, हां यहां पे देखिए CO के बगल में एक कार्बन ऐसा है जहां पर हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है तो ये मैकेनिज्म आगे जाएगी, इसका मतलब ये क्या होगा, ये टेस्ट देगा। ध्यान सुनना, आप कह सकते हो सर कीटोन था, कोई बात नहीं भाई, यहां पे भी तो लिखा है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन कन्वर्ट हो सकता है ना, इस तरीके से मैकेनिज्म को फॉलो कर सकता है ना, इस वजह से हम बोलेंगे कि हाँ ये भी टेस्ट देगा। आगे कुछ और एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल करने से पहले हम कुछ नाम सीखेंगे यहां पे जो लिखा हुआ है कि हेमी एसिटल क्या है, हेमी कीटल क्या है, एसिटल क्या है और कीटल क्या है। तो थोड़ा जल्दी में देख लेते हैं एक बार कि अगर एक कार्बन दिया है और इस कार्बन पे कोई आर ग्रुप लगा दिया जाए, अगर दो आर ग्रुप लगा है, एक ओ एच लगा है और एक ओ आर ग्रुप लगा, ध्यान समझना, एक कार्बन पे दो आर ग्रुप मतलब जैसे CH3 मान लो, ठीक है, और OH और एक OR लगा है, तो इसको बोलते हैं हेमीकीटल। इसको क्या बोलते हैं, हेमीकीटल बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर कार्बन पे दो R ग्रुप है तो कीटल होता है, अगर हेमी एसिटल कहना है तो R की जगह पे क्या लगा दूं, हाइड्रोजन, तो इस समय ये क्या है, हेमी एसिटल है, ठीक है, तो ये हेमी एसिटल हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम आते हैं एसिटल पर, और एसिटल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जहां पर एक कार्बन होगा उस पर हाइड्रोजन होगा और उस पर कोई R ग्रुप लगा होगा, उस पर OR एंड OR मतलब ईथर ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, एक कार्बन पे दो ईथर ग्रुप इस तरीके से लगे होंगे, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो इसको बोलते हैं एसिटल। लेकिन अगर हमें
बीटल बोलना है तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन हटा के आर ग्रुप लगा देना है। इतनी बात समझ आ गई क्या? ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा होगा बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर एसिटल और कीटल जो होते हैं वो बेस से रिएक्शन नहीं करते, वो क्या होते हैं, बेस में स्टेबल होते हैं। तो एसिटल और कीटल पर बेस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हेमी एसिटल और हेमी कीटल ये बेस में रिएक्शन शो करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज हम यहां पे देख लेंगे। चलिए पहले एग्जांपल को लेते हैं। तो पहले एग्जांपल का नाम बताइए क्या होगा इन चारों में से। देखिए क्या है, कार्बन पे क्या है, दो CH3 लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये कीटल तो होने वाला है। आप पता करो हेमी कीटल है या कंप्लीट ये कीटल है। देखिएगा यहां पर एक OH लगा हुआ है ना, तो एक OH और एक OR है, इसका मतलब हेमी है। ये हेमी मतलब होता आधा, ठीक है, तो आधा क्या है, ये कीटल ग्रुप है क्योंकि यहां पर OH प्रेजेंट है। ठीक, ये दिवा समझा भी, और हमने बोला था ना भी कि हेमी कीटल क्या होता है, OH नेगेटिव में रिएक्शन करता है। आप सुनिएगा ध्यान से, जब आप इसका टेस्ट करवाने जाओगे फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो फैलिंग सॉल्यूशन में जो OH नेगेटिव प्रेजेंट होता है वो पहले इससे रिएक्शन करता है। क्या करता है, ये OH नेगेटिव यहां का H+ ले जाता है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन होता है तो यहां का डेल प्लस होता है, यहां डेल नेगेटिव, तो H+ लेके जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इस पे, इस तरीके से आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, कार्बन यहां पे बन जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या रहेगा CH3, और यहां पर क्या रहेगा OCH3। इतनी बात समझ में आई क्या, क्या होता है, इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहता है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहां आता है और यहां का लीविंग ग्रुप भाग जाता है, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो पाता है किसमें, कीटोन में। लेकिन क्या ये कीटोन फैलिंग टेस्ट देता है, जवाब है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ये नहीं दे रहा, इसका साफ मतलब है ये भी नहीं देगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या, ओके। अब आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड क्या है, यहां पे देख लीजिए, यहां पर दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि CH3 की जगह पे यहां पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हो जाएगा हेमी एसिटल, क्या हो जाएगा, हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल बेस में रिएक्शन करता है। अगर ये भी बेस में रिएक्शन करेगा OH नेगेटिव के साथ, यहां क्या लाएगा, H+ ले जाएगा, और ये चीज यहां आएगी और इसको हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम बनाएंगे क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए जो चीज हमने बनाई ये क्या करता है, ये फैलिंग टेस्ट देता है, क्योंकि ये क्या है, एल्डिहाइड, और एलिफैटिक एल्डिहाइड देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि भैया देखो सेकंड वाला तो टेस्ट देगा, सेकंड वाला क्या करेगा, टेस्ट देगा, लेकिन पहला वाला टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये तोड़ने के बावजूद ये कहां पहुंचा, कीटोन, और कीटोन देते नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड की रिएक्शन ही नहीं होती। देखिए एसिटल एंड कीटल बेस में रिएक्शन नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि भैया ईथर स्टेबल होता है बेसिक कंडीशन में। ठीक, तो देखिए यहां पे क्या लिखा हमने, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां CH3 है, इसका मतलब ये एसिटल है, और एसिटल है तो वो बेस में जब रिएक्शन नहीं करेगा तो ये स्टेबल बना रहेगा। अगर ये स्टेबल बना रहेगा तो ये फैलिंग टेस्ट कैसे दे सकता है, जब तक ये कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम कैसे बताएंगे कि वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, अब ये कन्वर्ट ही नहीं होता, इसका साफ मतलब है कि ये स्टेबल है और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है फैलिंग के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये बहुत ही फेमस है, आपने बायो मॉलिक्यूल्स में इसके बारे में सुना होगा। ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज को ये चीज हमने पढ़ा दी थी आपको टॉलरेंस रिएजेंट में भी। ठीक है, लेकिन यहां पे भी एक बार, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बेसिक सॉल्यूशन में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, ऐसा आपने बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। और नहीं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि देखो अल्फा हाइड्रोक्सी, यहां पे क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज इन इक्विलिब्रियम इन बेसिक कंडीशन विद फ्रक्टोज, या यह हम बोल सकते हो कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो होगा क्या, अगर आप यहां से चेक करना चाहते हो, यहां से भी देख सकते हो, यहां से चाहते हो तो यहां से भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में है तो ये चीज ये इसमें भी जाती है, ये चीज इसमें भी जाती है, तो दोनों में से कोई सा भी आप जवाब दे सकते हो। देखिएगा, क्योंकि यहां पे एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के बगल में यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम ये बोलेंगे कि हां भैया ये टेस्ट देगा। अगर ये टेस्ट देगा तो ये भी टेस्ट देगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देख लो CO के बगल में कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और OH भी प्रेजेंट है, तो यहां से हम बोल पाएंगे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये दोनों ही फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में आपने ये पढ़ा होगा कि ये दोनों रिड्यूसिंग सुगर्स होते हैं। रिड्यूसिंग सुगर्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कॉपर 2+ कहां लाते हैं, कॉपर +1 में। ठीक है, तो क्या होता है, आप ये बोलो कि ग्लूकोज जो है कॉपर 2+ को कॉपर +1 में ला दिया, इसका मतलब क्या है, ये रिड्यूस करने की क्षमता रखता है और खुद को
ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। यही कहानी हमने कहां पे पढ़ी थी, टॉलरेंस में, जहां पर ए जी प्लस से ए जी में आ सकते थे, यहां पे भी रिडक्शन होता था टॉलरेंस में, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्योंकि बेनेडिक्ट को, फैलिन को और टॉलरेंस को रिड्यूस कर देते हैं, इस वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। चलिए अगले पर आते हैं, फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे मैंने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर लिख दिया है, ठीक है। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें मैंने नहीं लिखी हैं, सिर्फ मेरे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां पे कार्बन पे क्या है, एक ओ आर ग्रुप है और यहां पर ओ एच ग्रुप है। जब आप इसमें बेस डालोगे तो वो क्या देगा, टेस्ट देगा, क्योंकि ग्लूकोज देता है तो ये ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है। लेकिन ये आइए, यहां पर ऑक्सीजन पे हमने क्या लगा दिया, सी एस थ्री। मेरे भाई जब हाइड्रोजन होता है, मतलब हेमी पार्ट होता है, तभी तो वो एच नेगेटिव रिएक्शन करता है। लेकिन अब इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन पे क्या लगा है, देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक ओ आर ग्रुप है, एक आर ग्रुप है और एक ओ सी एस थ्री है, मतलब एक कार्बन पे दो ईथर प्रेजेंट है, तो ये तो टेस्ट नहीं देगा। अभी पढ़ा था, अगर किसी कार्बन पे दो ईथर प्रेजेंट होंगे तो वो टेस्ट नहीं देगा, इस वजह से ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, एक बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक का आपने सीखा होगा फैलिन सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जहां हम सिर्फ रिएजेंट के बारे में बात करेंगे।